बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत टीएमसी में हुए शामिल। एक्सप्रेस वे पर यात्री के 10 लाख रुपए चोरी, इंदौर से दिल्ली जा रही थी बस, पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज। 7 दिनों तक धर्मनगरी चित्रकूट में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत का डेरा, मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। अमित शाह का गया फोन, दिल्ली पहुंचे पारस, मंत्री बनने की अटकल भतीजे चिराग। गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष चुन सकती है कांग्रेस, पार्टी ने बड़े बदलाव के आसार। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यूपी के फिरोजाबाद में थाना दक्षिण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से ताश के पत्ते सहित 13,250 रुपए भी नगद बरामद हुए हैं। थाना दक्षिण के टीले मोहल्ले के काफी समय से जुआ होने की खबर आ रही थी, जिसके बाद थाना पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ लिया है। फिलहाल सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर है उत्तर प्रदेश के इटावा से। इटावा जिले के एक दिल थाना क्षेत्र के परसुपुरा के पास एक सप्ताह पहले हुई 25 लाख की लूट के आरोपी की मौजूदगी की पुलिस को सूचना मिली है, जिस पर एक दिल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने परसुपुरा रोड पर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान एक बाइक पर 3 लोग आते दिखे, पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो बदमाश ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और रिंग रोड होते हुए चांदन गांव की तरफ भागने लगे। एक दिल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस से घिरा देख बदमाश ने अपने अवैध असलाह से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लग गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को 2 गोली लगी, जिससे ये घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर स्थिति को देखते हुए सैफई पीजीआई रेफर कर दिया है, जहां उसका उपचार जारी है। पिछले दिनों लूट की कुछ घटनाएं हुई थी जनपद इटावा में, एक घटना एक दिल क्षेत्र में भी हुई थी। पुलिस इसमें सरगर्मी से बदमाशों की तलाश कर रही थी। आज हमारी चेकिंग भी चल रही थी रात में 12 से 2 के बीच में, उसी समय इंस्पेक्टर एक दिल और हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है, ये लोग भी चेकिंग में थे। इन्हें सूचना मिली थी कि जो घटना 3-4 दिन पहले हाईवे पे एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें उस समय 25 लाख लूट बताया गया था, उसके बदमाश का मूवमेंट है तथा वो भागने की फिराक में है। परसुपुरा पे लोग चेकिंग कर रहे थे, 3 सवारी जब आती हुई देखी इन्होंने तो रोकने का प्रयास किया, वो लोग नहीं रुके, इन लोगों ने उन्हें पीछा किया तो वो ये लिंक रोड है चांदन गांव के लिए मेन हाईवे से, इस पे भागे। अपने आप को घिरता देख के उन्होंने पुलिस पे हमला किया, फायरिंग की पुलिस पे। पुलिस ने उन्हें ललकारा, आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा प्राणघात हमला किया गया पुलिस पे। कई गोलियां, शायद 7-8 गोलियां चली हैं, जिसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं उनके भी बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां लगी हैं। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के 2 गोली लगी हैं और बाकी 2 बदमाश उसके साथ ही भाग गए हैं। अभी भी आसपास के सभी थानों की पुलिस जो है उसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो घायल हुआ है उसने अपना नाम जो है मनोज उर्फ बंटी यादव बताया है, इसका पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और भरतना क्षेत्र का रहने वाला है तथा इसके पास से काफ़ी धनराशि भी मिली है और इसने ये स्वीकार किया है कि जो घटना हुई थी उसमें ये सम्मिलित था। बाकी घटनाओं के बारे में भी इसने बताया, लेकिन क्योंकि उसकी स्थिति अभी गंभीर थी उसे अभी तत्काल मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, बाकी पूछताछ चल रही है। उसने अपने सहयोगियों के नाम भी बताए हैं, सही है या गलत ये भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की टीम उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जैसे ही अगर वो भी मिल जाते हैं तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। फिरोजाबाद के थाना फरिया में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने आरोप लगाया था कि लोगों के साथ पुलिस अन्याय कर रही है और उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते सैकड़ों की भीड़ में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में मौके पर पहुंचे तेज तर्रार सीओ कमलेश ने किसानों को आश्वासन दिया और कहा कि मैं जांच करके उचित कार्रवाई करूंगा। सर, यहाँ पे जो आज घेरा हुआ है किसानों के द्वारा फरिया थाने में, क्या है पूरा मामला? ये नगला नंगी के हैं बबलेश कुमार, जो कि अखिल भारतीय किसान यूनियन के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं।
और इनके साथ ये 1 तारीख को एक मारपीट की घटना हुई थी, बता रहे हैं कि निकल फायरिंग वायरिंग हुई थी और ये थाने पर आए थे, इनका मुकदमा नहीं लिखा गया था, उसी को लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि चूँकि हम थाने पर आते हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो ऐसा कैसे चले, जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो हम लोगों की बात कैसे सुनी जाए, इसको लेके लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मैं आया, मेरी बात हुई इनसे, मैंने इनको बताया कि भाई ऐसी बात नहीं है, पुलिस सुनेगी, अगर मान लीजिए थाने की पुलिस नहीं सुनती है तो आप हमारे पास आएँ, हम आपकी बात सुनेंगे, एक चैनल बना हुआ है उसके थ्रू आइए, एक प्रदर्शन करना सही नहीं है, बात करनी चाहिए थी। इस बात पे ये लोग मान गए, बोले कि हमारी बात सुनिए, इसकी जांच करा लीजिए, जो घटना हुई है अगर सत्यता पाई जाती है, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है कि घटना सच ही है तो इसमें मुकदमा, मैंने बोला है कि सत्यता पाई जाती है, मैं खुद ही 2-3 दिन में जाँच करके और मुकदमा दर्ज करके। किसानों के संगठन के लोगों ने थाना भरिया पुलिस पर अंकुश लगाया है, मुझे कहना है कि भरिया पुलिस पर विश्वास नहीं है, इस पर क्या कहना है? इसके बारे में जांच की जाएगी, जो जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसके बारे में जांच की जाएगी, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके अगेंस्ट जो भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, किसानों के अलावा और भी कोई शिकायत नहीं है? नहीं, किसानों के अलावा और लोगों ने बस ये बताया है कि हमें मतलब पुलिस अभद्र भाषा का प्रयोग करती है कभी कभार, ऐसा तो उनके बारे में भी समझाया गया है कि ऐसा न करें भाई, ठीक है, अगर आपके परिवार के साथ कोई ऐसा करता है तो आपको कैसा लगेगा, यही सोच के आप आमजन के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। यूपी के ताज नगरी आगरा में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। आपको बता दें कि आगरा फतेहाबाद रोड स्थित संगीता राम लवानिया हॉस्पिटल मेवाती नगला की रहने वाली परदोष ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। ही महिला से प्राइम ने बात की तो महिला ने बताया कि जब डॉक्टर द्वारा 3 बच्चे होने की जानकारी दी गई तो मेरे को थोड़ा डर लगा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी मेरे बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो। वहीं परदोष ने ये भी बताया कि डॉक्टर संगीता लवानिया ने मेरा साधारण ऑपरेशन कर मेरे 3 बच्चों को सकुशल जन्म कराया, इसके लिए मैं बार बार डॉक्टर संगीता लवानिया और हॉस्पिटल प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ। वहीं डॉक्टर संगीता लवानिया ने बताया कि मेरे हॉस्पिटल में आज एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है और मेरे द्वारा महिला का साधारण प्रसव कराया गया है। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। कौशाम्बी जिले में सेना की नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से ठगी करने का गैंग सक्रिय है। 4 युवकों से 6-6 लाख वसूलने के बाद उन्हें सेना में नौकरी ज्वाइन करने का फर्जी लेटर भी थमा दिया गया। लेटर लेकर नौकरी ज्वाइन करने जब युवक असम पहुंचे तो सेना के अफसरों ने फर्जीवाड़े की जानकारी दी। ठगी के शिकार युवकों ने मामले की शिकायत एसपी राधेश्याम से की। एसपी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरा मामला पोखराज थाना क्षेत्र के रामपुर सोहेला निवासी शैलेंद्र यादव ने बताया कि ये बेरोजगार हैं। उनकी मुलाकात पिछले दिनों सदर तहसील में स्टाफ बेचने वाले एक जसवंत यादव से हुई। वो कोतवाली क्षेत्र के ही पदेरिया मजरा निजामपुर नौगीरा का रहने वाला है। स्टाम्प विक्रेता ने उसे फौज में नौकरी का लालच दिया। इसके बाद वह अपने भाई कुछ रिश्तेदारों के साथ फतेहपुर के दुगरेई गांव में ब्याही अपनी बहन के घर ले गया। बताया कि बहनोई की फौज में अच्छी पकड़ है, वो उसकी नौकरी लगवा देगा। शैलेंद्र के मुताबिक वो नौकरी के झांसे में आ गया और अपने साथी सदर कोतवाली के अम्बावा गाँव के निवासी राजकिशोर मौर्य के साथ दुगरेई पहुँचा। वहाँ बातचीत के बाद 6-6 लाख में नौकरी का वादा किया था। इस आदमी ने, दीपक नाम के आदमी ने, जसवंत सिंह और अमर सिंह ये 2 व्यक्तियों, 3 व्यक्ति मिलकर हमको फर्जी का लेटर, ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ करवा के और हमको दे दिए। और जब ट्रेनिंग सेंटर पे इन्होंने भेज दिया तो वहाँ ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हुए निकले और इन्होंने हमसे 6-6 लाख रुपए ले लिए और उसमें से कुछ नकद लिया और कुछ अकाउंट में ले लिए। जो 4 अकाउंट थे वो 4 अकाउंट, 1 अकाउंट मंझनपुर का है, बाकी 3 अकाउंट श्यामपुर दुगरई जो फतेहपुर में पड़ता है यहाँ के अकाउंट दिए थे, तो उनमें हमने पैसा लगा दिया था। तो कहाँ भर्ती को, किस संस्था में, कहाँ? SSB आसाम राइफल्स में मेरा किया था और मेरा एक दोस्त है ये राजकिशोर, उसका किए थे CISF में और 2-1 लोगों का BSF में करवाया था और 1 का और आसाम राइफल्स में। तो हम लोग जब सेंटर पर पहुंचे तो 2 दिन तो वहां रहे, फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकल गए। उन्होंने कहा ये आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आप जाइए। तो वहां पहले तो उन्होंने कहा इनको पुलिस में डाल दो, बंद करवा दो, फिर उसके बाद सर ने कहा इनके करियर का सवाल है, इनको छोड़ दिया जाए और ये जाके अपना उधर
कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के हैं ये, वहाँ जाएंगे तो अपना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, इसके लिए कार्रवाई करेंगे तो इनका पैसा मिल जाएगा। उनके संपर्क में आप कैसे आते हैं, वो लोग और भी ऐसा कर चुके हैं या कैसे हुए? सर ये दीपक जो है सर, ये अपने मामा के यहाँ रहता था, इनका एक गिरोह चलता है सर, हम इनके झांसे में आ गए थे और ये राहुल और दीपक ये दोनों हमारे पास आए तो ले गए अपने मामा के यहाँ जसवंत और अमर सिंह, तो वहाँ ले गए और यहाँ जिला अस्पताल मंझनपुर में हमारा मेडिकल करवाया, और यहाँ मेडिकल करवाने के बाद कहा कि ये जहाँ कह रहे हैं जसवंत सिंह और अमर सिंह, ये बोल रहे हैं कि जहाँ ये कह रहे हैं वहाँ पैसा लगा दीजिए और आपका काम ये करवा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है, आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। शैलेंद्र यादव। जो आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है फौज में भर्ती के नाम पे, ये कैसे हुआ है और आपने ये जो पैसा दिया है 6 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा किया, कैसे दिया? अरे वो सर खेत बेच के और गहना गुड़िया रखते और है क्या किस्त वगैरह और वो करके सब वो करके दिए हैं पैसा उन लोगों को। सर एक दर के भागलपुर से इन दीपक और राहुल को पकड़ के लेके यहाँ सूजी वाले को दे दिए हैं, उसमें अभी तक 1 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर इसके बाद यहाँ आके एसपी कार्यालय में हमने फिर से एप्लीकेशन दिया, सर कोई वो नहीं मिल रहा है हम लोगों को, सर काफ़ी परेशान है, हमारा पैसा नहीं मिल रहा, पैसा मांगने जाते तो मारने की धमकी तक देते हैं सर हमको। नाम क्या है? राजकिशोर सर। सर फौज भर्ती के नाम पर 24 लाख रुपये ठगी हुई, क्या मामला, क्या? देखिए कल एक व्यक्ति आए हुए थे, स्टूडेंट थे वो, उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके साथ और उनके साथियों के साथ जो है फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर जो है काफ़ी पैसे ले रखे हुए हैं, उनके प्रार्थना पत्रों को हम लोगों ने साइबर सेल को मार्क कर दिया है और अभी भी मैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और हम लोग उस पर जाँच कर रहे हैं और जैसे ही तथ्य प्राप्त होगा उसके आधार पर जो शामिल इसमें गैंग में लोग हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।